इस सेट का आपको बड़े मजेदार बात बताता हूँ। मैं एक फिल्म कर रहा था आचार्य साउथ की चिरंजीवी जी के साथ, तो पिक्चर काफी पहले 80% खत्म हो गई थी और 20-1% का काम बचा था कोविड के बाद हम लोग गए सेट पे। सो कोविड के सेट पे जब किसी को पता चलता है कि मैं सोनू आज हमारे साथ शूट कर रहा है, तो जितने लोग होते हैं वहाँ पे, चाहे वो लाइटमैन हो, स्पॉट बॉय हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड गाड़ी वाला हो, तो वो क्या करता है कि वो बता देता है कि 8 से 10 दिन सोनू यहाँ पे शूटिंग करने आने वाला है। तो उनका कोई भी रिश्तेदार 200, 400, 300, 100 किलोमीटर कहीं पे भी है, वो जो तकलीफ में है उसको बोलता है कि ये काम करो सोनू 10 से 20 यहाँ पे शूटिंग करने वाला, आ जाओ। तो अपना बच्चा लेके, माँ लेके, बीमार जो भी है, कुछ भी है, वो लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो इंतज़ार करते हैं कि कब पैकअप होगा, मिलेंगे वो। और उनका जो बंदा अंदर सेट पे है, जो टेक्नीशियन है, चाहे वो आपकी मेकअप वैन का ड्राइवर है या क्लीनर है, वो कहेगा सर माई वाइफ माई फैमिली हैज़ कम फ्रॉम नेल्लोर सर एंड दे आर वेरी सक्सेस, दे वॉन्ट टू मीट यू फॉर 2 डेज। तो ऐसे सब बोलते हैं। और पैकअप होने के बाद 3 से 4 घंटे मुझे उन लोगों से मिलने में लगता है, क्योंकि 150 लोग एवरी सिंगल डे एक्स्ट्रा आए होते हैं। चिरंजीवी सर मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने बोला कि सोनू मैं 60+ मेरी एज हो गई और मैं इतने साल से इंडस्ट्री में, यू नो पीपल कॉल्ड मी मेगा स्टार और मेरे को इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले, यू नो पद्मश्री पद्मभूषण वगैरह सब मिले, पर मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना प्यार किसी को लोगों को करते नहीं देखा। द काइंड ऑफ लव दे हैव फॉर यू इन देयर आइज इज फिनोमिनल। मतलब वो सिर्फ देख के ही बिलीव कर सकते हो कि आज वैन होती है, पैकअप होता है आपके, 3-4 घंटे आप यहीं पे रहते हो वैन के अंदर। हम 5:30-6 बजे जब पैकअप हो जाता है, आप 9:30-9 तक सेट पे इन लोगों से मिल रहे हो और ये इतने फेथ से इतनी दूर से आए हैं बेचारों के पास, किसी का 100 रुपये 150 रुपये, वो इतनी दूर से आया हुआ सिर्फ आपसे मिलने के लिए कि यार मिल जाएगा, एक होप है शायद मेरा काम हो जाएगा। कोई अपना मोबाइल बेच के आया, कोई अपना साइकिल बेच के आया, कोई अपना कूलर बेच के आया। सो कैसे हो रहे हैं, मतलब ये एक ब्लेसिंग है और आज आपके पेरेंट्स होने चाहिए थे सब देखने के लिए। सो मुझे उनकी, चिरंजीवी सर की वो बात याद है कि एक एक्टर अपनी लाइफ में एक लिमिट तक अचीव कर सकता है, पर जब आप लोगों की ज़िंदगी बदलना जाते हो तो जो आप अचीव करते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, नहीं है। और मैं हर रोज़ ये एक्सपीरियंस करता हूँ भाई। एक मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, मैं रात को मिल मुल के सबसे आ गया ऊपर, रात को 12:30-1 बजे नीचे वॉचमैन बोला सर एक लड़की आई हुई है नीचे और वो खड़ी हुई है आपका, वो पैरालाइज है अपनी, उसके बैसाखी हैं दो और वो ठीक ठाक मतलब लग रही है देखने में, तो वो खड़ी हुई है। तो कहती मैं सोनू सर से मिलूंगी, मैं सुबह मिल के जाऊँगी, नहीं तो होगा अभी रात को सर 12:30-1 बज गए तो सेफ नहीं है, तो मैं 12:30-1 बजे नीचे आया मिलने। मैंने पूछा कि क्या काम है, कहती सर मैं हैदराबाद से आई हूँ और मेरा ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या, कौन है डॉक्टर, कहते एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर आलोक वर्मा है, न्यूरो बहुत फेमस डॉक्टर है यहाँ पे बॉम्बे में। तो मैंने नंबर लिया उनसे उसका, तो मैंने वहीं पे उनको टेक्स्ट किया डॉक्टर को कि सर यू नो दिस इज सोनू सूद एंड एक ऐसा केस आया है, मैं कल आपसे बात करूँगा जब आप उठ जाएंगे। तो मैं उसको लड़की को ऑटो करके दिया, मेरा होटल है, मैंने बोला कि आप वहाँ जाके रेस्ट करो, सुबह आ जाना आप 9:30-9 बजे। मैं जब रात को 1:30-1:45 बजे जब ऊपर आया तो वो डॉक्टर आलोक वर्मा का मैसेज आ गया वापस कि सुनू मैं इफ़ यू वॉन्ट आई कैन स्पीक नाउ ऑल्सो। तो मैं कह नहीं सर इट्स टू लेट एंड ऑल, तो कहते नहीं नहीं मैं अभी आई एम इन द हॉस्पिटल, ओनली कॉल करो। मैंने कॉल किया, मैं कह सर ऐसा ऐसा केस है, कहते काम करो सुबह भेज दो उसको ठीक कर देंगे हम लोग। 9:30 बजे लड़की आई, उसको गाड़ी में भेजा, नवी मुंबई के पास उनका है हॉस्पिटल और वो लड़की वहाँ पे 3-4 महीने वहाँ पे मतलब उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, जब पहले भी कर रही थी और अभी भी जब वो रुकी तो वो लड़की ठीक होके वहाँ से गई। और डॉक्टर आलोक वर्मा ने, मैं उनको इतने केसेस उसके बाद भेज चुका हूँ, पर आप ये सोचिए कि कौन रात को लड़की कहाँ से हैदराबाद से आई, उसको भेजा, उसका ट्रीटमेंट हुआ, एक नया डॉक्टर हमारी फैमिली का मेंबर बन गया और आज हम कितने लोगों की बचा चुके। सो आई मीन मुझे लगता है हम सिर्फ जरिया है और बाकी तो ऊपर वाला करवा रहे हैं।